बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नाइट क्लास का आज का हमारा छोटा सा लेक्चर है एंड दैट इज़ अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम, यानी हम कंपाउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि कंपाउंड टिश्यू ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। और इसमें हम बात करें तो हमें दो ही एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान डिफरेंस आप बयान करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जाइलम का काम होता है बेटा, आपको पता है कि ये जो टिश्यू है, एक जाइलम टिश्यू, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उस वाटर और उसके अंदर जो वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटांसेस पौधे के अंदर, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू शूट्स या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या होते हैं? जो प्लांट के पार्ट्स हवा के अंदर होते हैं उन तक पानी और पानी के अंदर हल हुए मिनरल सॉल्ट्स और वाटर्स को ऊपर पहुंचाना, ये जाइलम टिश्यू का काम होता है। आमतौर पे जाइलम दे इनकी लोकेशन क्या होती है, दे आर प्रेजेंट, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द रूट एंड शूट, ठीक है। कुछ इनका दरमियान का हिस्सा वर्क नहीं करता, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये टिश्यू है, चूँकि हम इनका टिश्यू वाली साइड पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ तो इनके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट वाला, लेकिन हमने अभी जो टिश्यू के हवाले से इनकी बात करनी है, तो हमने देखना है कि दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सही है। और उनमें जो पहली टाइप के सेल्स हैं उनको, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, उनके अंदर जो पहले हैं उनको हम कहते हैं वेसल एलिमेंट्स। ये ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, अभी मैं बताता हूं, और दूसरों को हम कहते हैं ट्रैकियर्ड्स। ये बेसिकली ट्रैकियर्ड्स जो है, आई, ठीक है, तो ट्रैकियर्ड्स और वेसल एलिमेंट्स जो हैं ये दो तरह के सेल्स होते हैं फ्लोएम जाइलम टिश्यू के अंदर। अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो वेसल एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और वो जहां पे आपस में जुड़ते हैं ना, यानी अगला सेल जहां से शुरू होता है वहां उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, और वो आपस में इस तरह मिल के लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं, और वो जो यानी यहाँ पे उनकी सेल वॉल नहीं होती जहाँ से वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये एक कुछ लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं, और इन ट्यूब्स को हम, यानी इन ट्यूब्स के अंदर वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, उनको आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके। तो ये हम इनको कहते हैं वेसल एलिमेंट्स। वेसल एलिमेंट्स क्या है? नंबर वन, ये लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है, दे आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ट्यूब्स। इनकी भी ट्यूब्स होती हैं और इनकी भी ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स हम बात करेंगे, सही है, फ्लोएम के अंदर भी। और उसके अलावा यानी ये सेल्स हैं, दे हैव नो सेल वॉल एट देयर ज्वाइनिंग एंड्स। और अब जो दूसरे सेल्स हैं ट्रैकियर्ड्स, वो बेटा किस तरह के होते हैं? फर्ज किया तो ट्रैकियर्ड्स होते हैं ऐसे ओवरलैपिंग सेल्स, ये देखें आप, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं इस तरह से, यानी ये बिल्कुल सीधा नहीं, ये ऐसे, ठीक है, तो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो जो ट्रैकियर्ड्स होते हैं, यानी ये वो सेल्स हैं जो इनके साथ होते हैं, दे आर बेसिकली ये सपोर्टिव टिश्यू है, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको कवर करके रखते हैं, इधर से भी दरमियान में भी इनकी मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। तो इन इस तरह का एक कम्बिनेशन बनता, यानी इधर नालियाँ भी और दरमियान में सपोर्ट वाले सेल्स भी, इस तरह वो कवर भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, जिससे पौधा खड़ा रहता है, और ये जाइलम जो है वो सील भी रहते हैं, इनसे ऊपर आराम से पानी चढ़ता रहता है। तो ये हो गया जाइलम। जो फ्लोएम है, फ्लोएम ऑब्वियसली, फ्लोएम का काम क्या होता है, तो अगर मैं आपके सामने बनाऊं
तो फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ठीक है जी। तो ये क्या काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है जी। और इनकी अगर आप गौर करें तो ये दे सराउंड, जिस तरह वो सेंटर में थे, दे सराउंड द जाइलम, ये जाइलम के गिर्द होते हैं, यानी उनके गिर्द, इनका भी एक दायरा सिलेंडर होता है। और इनका काम क्या होता है, इनके अंदर भी दो तरह के सेल्स होते हैं। पहली तरह के सेल्स को हम कहते हैं सीव, SIEVE, सीव ट्यूब सेल्स, या SEI है शायद, सीव ट्यूब सेल्स। एंड नंबर दो आर कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं वो भी, लेकिन वो जहाँ पे वो आपस में जुड़ते हैं ना, वहाँ जाली होती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह जब वैसल एलिमेंट्स है, लेकिन ये इनके अंदर जाली होती है इस तरह से। वो यानी सीव, सीव समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ पे यहाँ जाली चीज, जाली सी होती है। और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं, यानी ये सीव ट्यूब सेल्स हो गए, और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो इनको कवर करते हैं और दे मेक प्रोटीन। किताब में बेटा असल में इतना ही लिखा है, इसलिए हमें इतना ही। और ये वैसे तो ये भी फॉर सीव ट्यूब सेल्स, वैसे तो ये भी पार्ट है हमारे स्मॉल सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि इसने आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। और आपको बस इतना आइडिया होना ज़रूरी था आज कि वो कौन सी तरह के सेल्स हैं और कौन सी तरह के टिश्यू है, और वो किस किस टाइप के सेल्स का बना होता है, और उन सेल्स का छोटा मोटा फंक्शन क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज आपका बेटा चैप्टर ख़त्म हो गया। कल हम वो जो जब आप ऑनलाइन कल की क्लास में फिफ्थ चैप्टर जो वहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल कैरी ऑन टू वो, उसके दो तीन टॉपिक्स रहते हैं। हमारा फिफ्थ चैप्टर भी पहले से कंप्लीट है, हमने एक ही दिन की क्लास में पढ़ा था। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।